शहरी इलाकों के शहर कराची के दुख भी बयान किया है। आज सिंध में एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली दुबई हुकूमत हम सब पे मुसल्लत है। देखें ये इलेक्शन अब आने वाले हैं, उसमें किसको कराची में कितना हिस्सा मिलता है वो अल्लाह ताला जानता है, और वो पार्टी की परफॉर्मेंस है। वो अरबों रुपए जो खरबों लगे हैं कहाँ गए? दो प्रोजेक्ट्स उनके पास पड़े हैं 250 मेगावाट के, जो उन्होंने नहीं चलाए, और वो वापडा से वो बिजली लेते रहे सस्ती ताकि उनको खुद बिजली न मनानी। रमजान शरीफ में भला था कराची शहर को पूरी बिजली मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज लाइन, मैं हूँ आफ्ताब मुगेरी। आज बात करें तो अब तक कराची अंधेरों से नहीं निकल सका। जनाब वजीर आजम साहब कई अरसे से जो है वजीर आला सिंध उनको लिखते रहे कि खुदारा कराची समेत सिंध की सूरत हाल बदतर होती जा रही है, सिंध की इंडस्ट्री और सिंध के मुख्तलिफ कारखाने और सिंध के मुख्तलिफ जो है लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, इनको नज़र करें, इनको देखें के इलेक्ट्रिक समेत वापडा को कम से कम कहें कि सिंध में बिजली फराम करें। मगर मैं समझता हूँ कि ये नज़र लग गई उन वक्त की जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे और आज भी हैं, और वो कराची तशरीफ लाए और उन्होंने उस वक्त फरमाया था कि कराची में बिजली जाती नहीं और पंजाब में आती नहीं। तो तय है कि ये बिजली आना और ना जाना और के इलेक्ट्रिक की जो सूरत हाल है वो शहर कायद समेत जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको ही पता है। शायद PMLN के तमाम इलेक्टेड नुमाइंदे जो पाकिस्तान भर से हैं वो अपनी क़यादत के सामने नहीं बात कर सकते, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब सुनने से कासर होते हैं, और जब तक उनकी तारीफ़ नहीं की जाए तब तक उनको कोई बात हज़म नहीं होती, ना समझ में आती है। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब मजबूरी तौर पर आने यहाँ पर आने पे मजबूर हुए और आज बैठक लगी बड़ी, और तय पाया कि अब कराची में बिजली सनतकारों को, तजारतकारों को और शहरियों को मिलेगी। क्या ये बिजली चंद वो कहते हैं कि फर्स्ट एड होगा कुछ वक्त के लिए, कि कुछ वक्त के लिए इसको बिजली मिले और शहर कायद के लोग जो है सुख सांस ले सकें। मगर तय है कि इसके साथ साथ और भी बड़े मसाइल हैं शहर कायद के, जो कि वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ जो इस वक्त पार्टी के सरबराह हैं, और इसके साथ साथ वजीर आजम साहब को नज़र आए या नहीं आए, कचरा आखिर कैसे उठाया जाएगा इस शहर से। माना कि वो एक सब्जेक्ट सूबाई हुकूमत और KMC का है, मगर मेयर साहब की भी दौड़े लगी और पिछले दिनों उन्होंने बड़े बड़े अच्छे जो है फिज़ा में जो है लाहौर का जो है चक्कर लगा के आए हैं, और अल्लाह करे कि इसी तरह चक्कर जो है कराची का भी लगाएं मेयर, जो कि उनको पता लगे कि कराची में क्या हो रहा है। इस पर बात करेंगे, मेरे मौजूद मेहमान इकबाल अली खान साहब हैं जो है मेंबर हैं कौमी असम्बली की, बादराबाद ग्रुप से ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शहजाद चुगताई साहब है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, बड़ा अहम इनका किरदार है कराची की सहाफ़त सिंध की और पाकिस्तान की, और बिलखसूस जो है कराची में ये कवर करते रहे बल्दियात को भी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हाजी चंदसेफ खान साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भाई साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि बड़ा अहम सवाल बनता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं कराची में और दो रोज़ा दौरा था, बड़ा अहम दौरा, जल्द आ रहे हैं सिंध की तरफ और सोच रहे हैं कि शायद कुछ ना कुछ सिंध से जो है कोई सियासी सूरत हाल और जो PMLN की है वो भी तब्दील हो, क्योंकि अब कैलकुलेटर पे गिनना नहीं पड़ रहा सिंध में PMLN को, वो ऐसे ही पता लग जाता है कि चंद लोग बचे हैं। तो क्या होगा सर PMLN का सिंध का, ये कराची बड़ा अहम है पाकिस्तान की सियासत में, कुछ नहीं दिया PMLN के हुकूमत ने, बिजली भी छीन ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आफ्ताब मुगेरी साहब आप माशाल्लाह एक बड़े ज़ीरक किस्म के सहाफ़ी हैं, और बात यह है कि क्या नहीं दिया, पहला सवाल तो ये है। इस सूबे में सर्कुलर रेलवे हो वो वफाक ने दिया, कराची जो कि नज़र नहीं आया, किताबों की हद तक नहीं, किताबों की हद तक नहीं, गलतियां अपनी जरा आप नहीं, मैंने कहा सिर्फ इफ्तिदा की हद तक है, हमने कराची से हैदराबाद का, आप अभी मलीर से आए कोई ट्रेन नहीं मिली, कराची से हैदराबाद का मोटरवे दिया, K4 के मंसूबे के लिए 25 अरब जो टूटा फूटा हुआ है, मैं कल आया हूँ मुझसे 190 रुपए। सर मेरी बात सुन लेना, आप ऐसे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरी यार नहीं हुआ ना, मेरी यार सुन ले, आपने कहा क्या दिया, मैं लोगों से पैसे ले रहे सर, मैं वही बता रहा हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जो इख्तियारात हैं, अगर वो आप इख्तियारात अपने इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपने कहा कि पार्टी के अंदर चंद लोग रह गए हैं या ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो सबका बल्दियाती इलेक्शन पेन उठाया, मुझे लिख के बताएं, एक मिनट मैं आपको लिख के बता दूंगा, फिर इनके लिए टाइम नहीं बचेगा ना, नहीं, वो कब, ये तो 2 मिनट की बात, मेरी बात सुने ना,
अभी जो बलदियाती इलेक्शन हुआ है, बलदियाती या बाबू सरफराज को कारकुनों ने मार मार के औरतों ने कुर्सियां भी भगाया है पंजाब हाउस, ये पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये सारी चीजें उसका हिस्सा होती आपके यही होती है, गुस्सा भी होता है सारी चीजें। जिस तरह आपने कहा जी कि वो मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के सामने जो है कोई बात नहीं करता है, कोई रेजिमेंट नहीं है कि वहां बात नहीं करता है, सब यस नहीं होता है, बात की भी जाती है। और अभी मैं गवर्नर हाउस से उठ के आ रहा हूँ, मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ चीजों पे जी जी बिल्कुल सुनते हैं, हम सुनाकर आए हैं, अच्छा। जो तजावीज हैं वो देकर आए हैं। नहीं बात रहा सवाल के इलेक्ट्रिक सप्लाई का, आप 615 मेगावाट बिजली जो है वो मरकज से ले रहे हैं, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का जो मुआहदा हुआ है उस मुआहदे के मुताबिक जो 250-250 मेगावाट के पोर्ट कासम पे उनके प्रोजेक्ट हैं, अरबों रुपए का डिफॉल्टर है सुई सदरन गैस का, के इलेक्ट्रिक पेमेंट तो करें ना जी, सही है। वाटर बोर्ड का जो है ये देखिए ये किसने करना है, मैं आप पेमेंट करते हमें तो नहीं मिलती ना, मेरी बात सुने ना, देखें आपने मरकज ने जो चीज बिल के साथ के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा आता है उसके हाथ में प्लास होती है, अब बिल जमा कराया नहीं तो काट दूंगा, कहां पर यहां सिंध में इलेक्ट्रिक सप्लाई में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर जो है वो सूबे बलोचिस्तान और सेकंड जो है वो सिंध है, और लाहौर में अभी मैं 7 दिन रहकर आया हूँ, बमुश्किल मेरे ख्याल है आधे घंटे की बिजली पूरे 7 दिनों में अगर गई हो लाहौर में, खुद इस चीज का चश्मदीद लाहौर पेरिस है सर, आपने बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं कि आप भी जाएं, इकबाल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा फिर शहजाद साहब के जाऊंगा पास, क्योंकि आजादा तजिया लेंगे उनसे। इकबाल साहब क्या कहेंगे कि अब जल्द जल्द मुलाकातें भी हो रही हैं और शहबाज शरीफ को कम से कम शहर कायद और MQM का मरकज जो ये है याद भी आया, तो सर ये उस वफादारी का नतीजा था जो आपने वफा किया एंसर सेनेट में जो आई वफादारी का नतीजा था? देखिए मैं एक बार बताऊं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाहिद जमात है कि जिसके पास हर सरबरा ने इस यहाँ पे आते रहे और जाते रहे, वायदे करते रहे, चाहे वो आप पूरे हो ना हो, चाहे वो आपने लोगों से, चाहे वो 90 करे ना करे, चाहे 90 से उतार ले, 90 से उठा ले, जब सारी चीजें हैं आपके सामने। अब शहबाज शरीफ साहब आए, खुश आमदेद हमने किया उनको, हमने उनसे और लॉलीपॉप दे, देखे मैं एक बार बताऊं, वो लॉलीपॉप दे के गए तो हम भी उनको लॉलीपॉप देना जानते हैं, तो यही सियासत। फिर बात यही है ना कि अब जो उन्होंने आके जो बातें की हैं, अब कराची को आप न्यूयॉर्क बना देंगे, गुस्सा दिखाइएगा कराची के लोग देख रहे हैं, वोट लेने जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, गुस्सा दिखाइएगा इनके ऊपर कि आपने शहर कायद की बिजली क्यों नहीं। मैं एक बात यही कह रहा हूँ ना कि कराची को न्यूयॉर्क बना देंगे या ये कर देंगे, ट्रेनें चल जाएंगी, ये सब लफाजी है। हम कहते हैं कराची को कराची बना दें, जो कराची से वफाक ने कराची से और हैदराबाद से 50 करोड़ रुपए की मेयर हैदराबाद से उन्होंने वो किया था, वो उनको ग्रांट दे पहले जो मेरी पैसे बात गाड़ी आपने शाहरुख खान को लेके दे दी, मेरी फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं वो पैसे खा गए। मेरी एक बात सुने ना, अब ये सारी बातें कहने की मैं कह दूं आप भी पैसे खा गए तो मेरे पास तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, आपके अगर आप मुझे मेयर बना दे आप कह दीजिएगा, आपके बाद आपके पास कोई जवाब, मेरे पास तो कोई नहीं है, मगर आपके अब फारूक सत्तार साहब फरमा रहे हैं। ये देखें ये एक दूसरे पे इल्जामात, तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि कोई शाहरुख खान है आपके यहां, उनको आपने ब्लड प्रूफ गाड़ी दिलवाई है, पता नहीं कौन है शाहरुख खान जी आपके पास बादलाबाद, मैं भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं जानता, मगर ये कि आपने गाड़ी दिलवाई, मैं भी नहीं जानता ना शाहरुख खान, कराची के पैसे आप कह रहे हैं उन्होंने नहीं दिए, मगर पैसे दिए उसमें से गाड़ी, मैं आपके एक सेकंड के लिए मैं बात मान लेता हूँ कि कराची के कोई शाहरुख खान है जिनको गाड़ी दिलवा दी, शहबाज शरीफ के साथ भी बैठे हुए, देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, तो आप एक एक ये काम किसका है, एंटी करप्शन का है, नैप का है, मालूमात करें कि भाई करप्शन का ये बड़ा आसान है कि आपने करप्शन कर दी, FIA में चले जाएं, नैप में चले जाएं, एंटी करप्शन में चले जाएं, मुकदमे चले जाएं, चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे, मगर शाहरुख खान को गाड़ी मिल जाती है बादराबाद के और मेयर कराची पर इल्जाम लग जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये लॉलीपॉप अगर हमें दिया तो हम भी इनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, ये सियासी बयान आते हैं सर, पेरिस बना देंगे, आपने तवील हिस्सा जो है इस शहर कायद में रिपोर्टिंग करते रहे और बल्दियात को कवर करते रहे, ये क्या है माजरा कि इलेक्शन के नज़दीक आते हुए सुहाने ख्वाब दिखा देते हैं कि हम शायद वाकई अभी आप और हम निकलेंगे तो सामने से मेट्रो ट्रेन जाती होगी और हम सोचेंगे कि यहाँ से हम गुलशन अदीद गुलशन इकबाल बैठ के चले जाएँ। देखें पेरिस बनाने की बात तो बहुत पुरानी है और आपको याद होगा कि जुल्फार अली भुट्टो ने भी ये देखिए वो अंदाजे गुफ्तगु तो उनकी भुट्टो जैसी है ना, माइके भी गिरा देते हैं, भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं लियारी को पेरिस बनाऊंगा, बिल्कुल उसके बाद जब मुशर्रफ साहब आए कचरा नहीं उठा, मुशर्रफ साहब आए
تو انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا بھائی کراچی کو سب پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ ہے بلکہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر بنا دیں گے. اور اب جو ہے اس کی بازگشت شہباز شریف صاحب جو دو بار آئے ہیں کراچی اور کراچی کی محبت جو ہے اچانک جاگ پڑی. سر ذمہ داری پارٹی کا سربراہ بنا دیا نا. انہوں نے یہ کہا کہ سی جی کہ ہم کراچی کو پچھلی بار جب آئے تھے وہ خادم اعلی پنجاب نہیں خادم اعلی پاکستان ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کو لاہور بنا دیں گے. اب وہ جو آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کراچی کو پیرس یا نیو یارک بنا دیں گے. بہرحال یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کراچی کو کراچی بنا دیا جائے وہ اچھی بات ہے اور وہ اور کراچی پر تھوڑی سی توجہ فیڈرل گورنمنٹ دے دے تھوڑی سی توجہ پروونشل گورنمنٹ دے دے. المیہ یہ ہے کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ نہ پروونشل گورنمنٹ اور ایون یہ کہ نہ کراچی کی جو گورنمنٹ ہے یا کراچی کے جو میئر ہیں جو لوگ ہیں وہ بھی کراچی پر وہ توجہ نہیں دیتے جس کی ضرورت ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے لاہور گھوم کے آئے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ میئر صاحب لاہور تو گھمائے لیکن وہ کراچی بھی تو گھومے نا. میئر صاحب کا چاروں چیئرمینس کا ایم کیو ایم کے تین چیئرمینس ہیں اور میئر صاحب ہیں اور ان کے کتنے دو سو چار جو ہے ان کے ریحان ہاشمی صاحب ان کے یونین کمیٹی کے چیئرمین ہیں. ان کا دنور صاحب نظر نہیں آتے. دیکھیں یہ سب وی وی آئی پی بنے ہوئے ہیں. یہ سب جو ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ کہ ان کا سارا وقت جو ہے وہ مہمان کہیں مہمان خصوصی ہیں کسی تقریب میں جا رہے ہیں کسی شادی میں جا رہے ہیں مطلب سارا وقت تو ان کا. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بلدیات اور اس کو بڑا کور کیا ہے. میں سمجھتا تھا کہ جو سندھ میں اے ٹی ایم مشین کا کردار ادا کرتے تھے ٹی ایم اوز تو اب ایم کیو ایم کے لیے یہ اے ٹی ایم کا مشین کا کردار ادا کر رہے ہیں چیئرمین صاحبان جو یہاں پر ہیں. تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں یہ دولت. اب تو لندن سے رابطہ ختم ہو گیا نا. پہلے تو یہ طے تھا کہ جی وہاں پیسے جاتے ہیں اب کس کے پاس جاتے ہیں پیسے. سر دیکھیں اے ٹی ایم تو یعنی کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ اے ٹی ایم تو یعنی کہ گورنمنٹ کے بھی بنے ہوئے ہیں. بالکل اے ٹی ایم وہ پیپل پارٹی کے لیے بھی ہے. اے ٹی ایم وہ ایم کیو ایم کے لیے بھی ہے. اے ٹی ایم جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے بھی ہے. ابھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ سیکرٹری بلدیات کے آفس پہ چھاپہ مارا گیا اور رمضان سولنگی جو ان کے سیکرٹری پیسے نکلے کتنے پی ایس ان کو پکڑا گیا. پھر ان کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا. ان کے گھر سے 400 کروڑ روپے برآمد ہوئے اور سونے کے پتہ نہیں کتنے بسکٹ برآمد ہوئے گھڑیاں برآمد ہوئیں مطلب بہت سارے پیسے برآمد ہوئے. اور یہ لوگ بسکٹ کھا کے اس خبر کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار دیکھیں کتنے پیسے نکلے. میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایک صاف بات کر دوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. شہر میں یہ افواہیں ہیں کہ پہلے جو وزیر بلدیات تھا وہ 30 کروڑ روپے دیتا تھا ماہانہ. اب جو وزیر بلدیات ہے اس کی زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے. وہ 50 کروڑ روپے ماہانہ دیتے ہیں. تو یہ یعنی کہ آپ کو کوئی سیریس نظر نہیں آ رہا ہے چاہے وہ پی ایم ایل ہو متحدہ قومی ملوک پیپلز پارٹی ہو کسی کو دلچسپی نہیں ہے. کوئی اون ہی نہیں کرتا نا. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ شہر کو اون کرنے کا. تو اس شہر کو جب آپ اون نہیں کریں گے اس شہر کی آپ کو فکر نہیں ہوگی. اب چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. ایک چیئرمین صاحب سے میں نے کہا کہ میں سبزی منڈی سے گزر رہا تھا وہاں اچانک سڑک کاٹ دی اور اس میں کئی ٹرک اور گاڑیاں پورا شہر کاٹ دیا سر ادھر گاڑیاں پھنس گئیں. میں نے ان سے کہا میں نے کہا یار آپ کم از کم یہ کریں کہ یہ سڑک جو ہے اس کی مرمت کرا دیں. تو کہنے لگے ہمارا فنڈ نہیں ہے پیسے نہیں ہے. میں نے کہا سڑک بھرنے میں کیا 10,000 روپے یہ گڑا بھرنے میں 10,000 روپے بھی نہیں لگیں گے. اور میں نے کہا آپ یہ کریں گے اس پہ ملبہ ہی ڈلوا دیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ کروڑوں روپے کی جو گرانٹ ملتی ہے کوئی. جی اقبال صاحب بتائیے آپ بتائیے سر کیا 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 ہوگا سر اس شکایت کے. میں آپ سے مستقبل کی بات سینئر صحافی ہیں اور میرے ان سے پرانا بہت پرانے تعلقات ہیں ساری چیزیں ہیں مگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں شہر سے بھی بہت پرانا تعلق ہے سر آپ کا. ہاں میرے بالکل مگر وہ شہر سے تو میں یہی کہہ رہا ہوں بھائی ہم شہر کو اون کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ جب تک آپ میئر کو اختیارات پورے نہیں ہوں گے اس کے پاس آپ اور میری بات پیسے پوچھنے دیں ان سے کتنے دیے آپ کو سر کتنے پیسے دیے. پہلی ذمہ داری ہے جو سر مجھے پیسوں کا بتا دینا جملہ تو مکمل کرنے دیں سر. دیکھیں صوبائی گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ اسے پورا نہیں کر رہی ہے. یہاں پر جو بلدیاتی دیکھیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اس میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کہے کہ وہ بریو ذمہ ہے تو نہیں ہے. بالکل یہاں پر مینڈیٹ سب کے پاس ہے. پر وہ جو پیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے یہاں پر ایم کیو ایم کے پاس ہے 6 کروڑ روپے دیے ہمارے پاس ہے روپے دیے کتنے دیے ہم نے جو ہے یہاں پر گورنر صاحب نے مرکز سے جو پیسہ دیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ
अरबों रुपए के हिसाब से है, हाँ दिया जाए वो कराची शहर को बनाया जाए और प्रोजेक्ट जो है वो कराची को दिए, ग्रीन बस लाइन का जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देखे कराची को पैसे नहीं देती, नहीं अभी दी है ना जो ये तो 25 अरब का एक पैकेज, 25 अरब का 25 अरब का जो पैकेज जो ऐलान हुआ था उसमें मेरे ख्याल से 10-8-9 अरब रुपए थे उसमें से उन्होंने कट कर दिए, कटौती कर दी। अच्छा फिर ये कि ये मौजूदा बजट में तो मेरे ख्याल से ये मुमकिन ही नहीं है कि कुछ पैसे दिए गए हों, अगले बजट में वो जो नेक्स्ट बेसिकली तो सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है शहजाद भाई, नहीं नहीं शहजाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप ठीक है, आप 18वीं तरमीम के बाद जो है अगर मरकज आपको देखें, मरकज ने आपको सी पैक के हवाले से जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो सिंध में भी लगे, बलोचिस्तान में भी लगे, मगर यहाँ पर अगर जो बरसा बरस से यहाँ पर हुक्मरानी करते मैं एक बार बताऊं आपको, ये शहर है ये बात, ये शहर है, इस शहर को अगर आपने फ्री हैंड दिया तो मुस्तफा कमाल के जमाने में काम भी तो हुआ है, नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में काम भी तो हुआ है, मगर आज अगर इस शहर का मेयर जो है उसके हाथ बांध दिए जाए, उसकी जेब खाली हो और आप चाहें कि उससे काम हो जाए तो नहीं होता है। जब तक आप जो है जिन लोगों को पब्लिक ने मुंतखब किया है वो एहसास जो है सूबाई गवर्नमेंट को भी होना चाहिए, जो मुंतखब लोगों को सवाल भी तो सुने हजरत, मैंने कहा कि ये एहसास आपको आपकी पार्टी के सरबराह को और आपको ये एहसास मेयर के हाथ के बंदे होने के शहबाज शरीफ के बादराबाद आने के बाद ही क्यों हुआ, क्या वफादारियां थी जिन्होंने मजबूर किया जो सेनेट में इन्होंने सपोर्ट की, या फिर ये आप एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अलायंस बनाने जा रहे हैं सिंध में कि पीआईपी नहीं गए बादराबाद चले गए? नहीं नहीं देखिए नहीं आप एक बार बताएं, उसमें बहुत सारे इत्तेहाद बनने भी हैं और पॉलिटिकल पार्टियों में किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है, और वो जंगी पार्टी है नहीं है, मुंतखब लोग हैं, यहां सरकार कोई जंगी पार्टी है नहीं, नहीं कराची है, कराची के अंदर ये लोग मुंतखब लोग हैं, इनसे बातचीत का रास्ता तो बंद नहीं हो सकता है ना जी, मतलब किसी के साथ सवाल की बात करना, देखे ना पंजाब में लाहौर भी है, लाहौर फारूक सत्तार पहले तो मिलके आए थे ना, गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी फारूक सत्तार की शहबाज शरीफ साहब से, कोई बात नहीं बनी, अभी 2-4 दिन पहले फारूक सत्तार वादा वफा नहीं हुआ उनका, हाँ फारूक सत्तार ने उसके शहबाज शरीफ के और मुस्लिम लीग के खिलाफ बयान दिया है बिल्कुल, और फिर परसों उन्होंने कल बल्कि कल रात को उन्होंने कोई 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम जो है ना वो बहादराबाद पे और इस किस्म के इल्जाम लगाए हैं, तो फारूक जी देखें जी शहर कराची के अंदर क्या है वो बादराबाद ग्रुप हो या ये भी अफवाह उड़ रही है कि किसी आवाज को इस्तेमाल किया जाएगा, कोई बड़ा आवाज आज या कल जो तब्दीली पसंद आवाज होगा किसी इदारों के खिलाफ कोई इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कोई ऐसी अफवाह है नूली कर रही है कुछ? मेरा ख्याल है कि इदारों के खिलाफ किस लिए कोई आवाज इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ ही चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तो आपस में ही दस्ते गिरेबान रही हैं, यहाँ 70 सालों में सियासतदान के अलावा किसी का एहतसाब नहीं हुआ, यहाँ सियासतदानों के अलावा किसी का जो है वो जेब जो है वो चेक नहीं किया गया कि किसके पास है, और ये एक भूल है। हम ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क जिन हालात का शिकार है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टियों का किसी एक एजेंडे के ऊपर इकट्ठा होना बेहतर होना, देखें इस वक्त तो सर ये तय है कि आप अभी मोहब्बे वतन पाकिस्तानी का सर्टिफिकेट आपको शहबाज शरीफ ने थमा दिया कल कि आप भी मोहब्बे वतन है फारूक सत्तार नहीं है, मैं ये आपसे सवाल कर लूं कि आप भी मोहब्बे वतन है कि नहीं है? नहीं मैं नहीं फारूक सत्तार की बोला, देखिए कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मेरे पास तो रसीद है, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे पास तो जब हमने पाकिस्तान बनाया था जब से रसीद लिए घूम रहे हैं, अच्छी बात है कल की बात, बहुत से रसीद लिए घूम रहे हैं, हमें माने तो कोई, अब जब हम आवाज उठाएं जब हम की जरूरत नहीं है जो लोग जब हम आवाज उठाएं तो हमारी आवाज को दबा दिया जाए, उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना शहबाज शरीफ के सर्टिफिकेट की जरूरत है ना किसी के और किसी के ये मुल्क हम सब की जरूरत नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, मेरे पास अभी स्पीच नहीं है वो मेयर कराची की नहीं जो बड़ी पार्लियामेंट के बाहर ये भी शायद खड़े हुए थे उनके साथ और जो आपके लीडर के लिए उन्होंने कल बात अदा की बड़े जबरदस्त होती है, पॉलिटिकल पार्टियों में बात भी होती है, जलसे जुलूसों में बात भी होती है, बड़े जर्फ वाले माफ कर लिया आपने, बिल्कुल माफ होते हैं क्यों नहीं होते, कौन सी चीज है जो खुदा मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, बात ये तो आपने बजट की बात की यहाँ की बात की, हम ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम हुई सूबों को इख्तियार दे दिया आपने, 18वीं तरमीम की एक तरमीम और लाई जाए, कौन सी? आर्टिकल 140A के तहत आर्टिकल वो लाए जाए कि जो बल्दियाती निजाम है उसको भी खुद मुख्तार किया जाए, उसको भी इख्तियार दिए जाए, कुछ ये मकबूल के हवाले किया जाए, नहीं मैं ये नहीं कह तो ये आज वसीम अख्तर में रहे कल कोई और, मगर वो इख्तियारात होने चाहिए, अभी वजीर आला के खान किसी को गाड़ी नहीं दिलवाएगा शहर कायद के बजट से, अभी आपने एक बात कही थी, इन्होंने बात कही थी कि 50 करोड़ 5 करोड़ या 50 करोड़ के अंदर, आप ये देखें जितने एमसी लगे हुए जो वजीर बल्दियात है उससे हिसाब ले, बगैर पैसे दिए हुए कहीं एमसी नहीं लगता है,
बिल्कुल, तो वो कहां पहुंचाता है पैसे, तो वो काम कहां से होगा, वो पैसे देके वो करप्शन कर रहा है बैठ के, उसका एहतसाब किया जाए, इन डीएमसीसी में एहतसाब किया जाए, ये सारी चीजें आपके सामने है। और मैं ये कहता हूँ पंजाब की तरह ब्यूटिफिकेशन के लिए 1% रखा गया वफाक की तरफ से, वो कराची मुझे ब्रेक का कहा सिंध के अंदर भी, अगर जान के अमान पाओ तो ब्रेक ले ले, बिल्कुल थैंक यू। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बड़े अच्छा सवाल आते हैं, जवाब लेने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, दौरान प्रोग्राम भी गुफ्तगु होती है और मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पे आप दी रिकॉर्ड पे भी बहुत ही बातें होती हैं, और ख़ासतौर पर जब सियासी पार्टियों से वाबस्तगी जिनकी होती है वो कहते हैं कि ठीक है जी ये बड़ी अच्छी बात है मगर हम क़यादत के सामने रखें, पर हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, मजबूरियाँ बिल्कुल हैं और होनी भी चाहिए, मगर तय है कि इस मुल्क की जो मजबूरियाँ हैं, शहर की जो मजबूरियाँ वो भी बड़ी अहम है, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, मगर सियासी क़यादत जब बैठक लगाती है तो उसमें वो लोग जो अपना आप को भेज देते हैं और सबको पता है कि किसने वोट सेनेट में किसको दिया, मगर वो भी बैठते हैं और वहाँ पर डट के आखिर क़यादत क्यों नहीं पूछती कि आपका पता था, हमें सारी क़यादत को पता है कि किसने वोट कहाँ भेजा है, तो उस पर बात क्यों नहीं होती। हाजी चंद साहब, आज मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की PMLN के रहनुमाओं से, सोरट थेबों के लिए वाज़ह तौर पर पता है सबको, आपके रहनुमा कहते हैं, मैं नहीं कहता, आपके रहनुमा कहते हैं कि जी उन्होंने वोट सेल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया, हाजी शफी जामोट ने वोट सेल किया पीपल्स पार्टी को दिया, दोनों अराकीन आज बैठे थे और डट के बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, तो आपकी क़यादत में ये गट नहीं है कि इनको मुंह पे कह दें आप खामोश हो जाएं, आपने PMLN का वोट सेल कर दिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आपके पास इतला गलत है, क्योंकि मेरे बराबर वाली सीट में सूरत थे वो राइट पर बैठी हुई थी और लेफ्ट पे हाजी शफी जामोट साहब बैठे हुए, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमारे जो नंबर्स थे वो किसी सेनेट के लिए हमारे पास पूरे ही नहीं थे, पहली बात ये है। नहीं, वोट सेल नहीं किया उन्होंने, नहीं मैं बात नहीं, अल्लाह को मान, सुन लेना सर, ऑन ईयर ऑन ईयर सुन ले, मैं वही बात कर रहा हूं, यहां पर हमारा जो सेनेटर था हमारे पास नंबर नहीं, वो नहीं थे, मगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं भेजा उन्होंने, और मैं नहीं समझता हूँ कि सूरत थेबो जैसी नजरियाती वर्कर जो है वो पार्टी के किसी फैसले की जो है वो खिलाफ वर्जी करेगी। यहाँ पर हाजी शफी जामोट ने नहीं भेजा, खरीदो फरोख्त जो हुई है वो आपको भी पता तो है, फिर आपके अराकीन क्यों कहते हैं, आपके अराकीन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपके लोग सीनियर क़यादत कहती है कि सोरट थे वो ने और हाजी शफी जामोट ने वोट सेल किया है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस चीज को ना जी, चलें मैं हमारे अगर नंबर पूरे होते वो तो फिर ये भी नहीं मानते, वो पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी भी नहीं मानते, आसिफ अली जरदारी भी नहीं मानते, इमरान खान भी नहीं मानते, तंजीद नहीं क्या करते, इमरान साहब भी मानते हैं, इमरान खान तो मानते हैं, तो ये साथी निकाल दिए उसने, थैले तो कर दिए मगर ये तो नहीं मान रहा ना भाई, जो बिल्ली जो थैले में थी ना वो सराजुल हक साहब ने जो है वो निकाल के बाहर रखा, सर ये तो आपके हक में आती है, तो बिल्ली थैले से निकल आती है और जब हम सवाल करते हैं तो थैले में चली जाती है, हमने उस वक्त भी कहा था, फिरदौस शमीम नकवी साहब में बैठकर मैंने कहा था, फिरदौस शमीम नकवी साहब है वो, हमें दुख हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन हुआ है हमें दुख हुआ, केरन मां सर बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आपने तो कह दिया कि हम 20 अराकीन जो है खासतौर पर केपी के जो है असेंबली के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और खान साहब ने की भी, ये अच्छी बात है, मगर यहाँ पर PMLN के जो वोट अराकीन असेंबली भेज देते हैं मगर शहबाज शरीफ आते हैं वो डट के उनके सामने सवालात भी करते हैं, बैठे भी होते हैं कॉन्फिडेंस से, और जब PMLN की बारी आती है तो कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है, जब हम सवाल करते हैं तो वो फिर वापस चली जाती है थैले में अंदर, मैं मुझे समझ में नहीं आया कि आप किस तरह से सारा PMLN की बिल्ली की कर रहे हैं, आज ये किस बिल्ली का जिक्र, बिल्लियों पे यकीन नहीं करते, बिल्लू रानी से ऊपर करते होंगे, हमारा इस पे नहीं है, हमने किया था, हमने KPK के अंदर 1/3 लोगों को जो हमारे असेंबली के डिस्टेंट थी उसको हमने चार्ज किया, जो हमारे पास इंक्वायरी इंटरनल सर गुलाम सरवर को क्यों नहीं किया, बाकी सिराजुल हक साहब जो कुछ कह रहे, तो मैं भी आज इम्तहान दे देता हूँ कि सिराजुल हक साहब को जो सेनेट का इलेक्शन जितवाया गया था वो भी किसी के इशारे से जितवाया गया था, तो हो गए सिराजुल हक साहब, सिराजुल साहब एक सीनियर चौधरी सरवर साहब के खिलाफ भी कार्रवाई कर लेते ना भाई, तो पता है कि जहाँ इतने MPS वगैरह का वोट शामिल होता है ये इशारों पे काम नहीं चलते, ऐसे इशारे देते भी नहीं है कोई, जिधर वो खुल मगर चौधरी सरवर के लिए भी तो कह रहे हैं हाजी चंदेव साहब, सरवर साहब का तो मैं आपको हिसाब गिना देता हूँ ना, कितने MPS ने छोड़ी है जी PMLN
और ज्वाइन की है और पीपीपी वालों ने और ज्वाइन की है पीटीआई, उनकी तादाद को आप सर्वर के चौधरी सर्वर साहब के साथ जोड़ लें, अगर वोट पूरे ना हो तो सजा देनी से चोर की सजा। सर आप जोड़ के दिखा दो, वो लोगों ने हमसे पहले कह दिया था हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम ज्वाइन सर इकबाल अली खान साहब कह रहे हैं कि हमें कैलकुलेट करके बता दें तो कितने लोगों ने वोट दिया, 28 बंदे कहां से छोड़ के गए। मैं फोन पे हूँ जी जी, मैं वही सवाल कर रहा था उनका, आपको पहुंचा रहा था। सवाल ये है कि उन लोगों ने ये तारीखें क्यों चुनी थी, पहले क्यों नहीं ऐलान किया था इससे कि उनकी सीटों पर री इलेक्शन हो जाते जी। वो एक दो इलेक्शन कोई आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता एक साल में लड़ता, इसलिए उन्होंने उस तारीख तक इंतजार किया जब री इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद जब वो सीट के अपनी लॉयल्टी चेक करेंगे तो डिसीट करके वो इलेक्शन नहीं होगा, उससे उस वक्त तक इंतजार किया, वोट उन्हीं ने जरूर हमें दिया था दिल्ली के वो लोगों को, हमने कोई खरीदो फरोख्त नहीं की, खरीदो फरोख्त करने वाले कोई और है। सर कौन है हाजी चंदेल साहब को मैंने कहा कि सोरठ थे वो आदमी का नाम तो बता दें जिसने इमरान खान को 45 करोड़ की ऑफर की थी, उस आदमी का नाम तो बता दें, उसको नाम नहीं बताया, 20 का नाम आपने बता दिया भाई, पता है ना पैसे देने वाले सर वो बता देना 45 करोड़ फी वोट की ऑफर की थी, वो आदमी कौन है उसका नाम बता दे, 20 का तो नाम बता दिया आपने, इसका नाम भी बता दे कौन है वो, पैसा नहीं दिया उसके बाद बात करेंगे, जरदारी साहब के भी सादे को जमीन होने की हो जाए, पहले नवाज शरीफ भी ये कह रहे थे कि हमने पनामा में जरदारी साहब को तो आपने वोट दे दिया वाइस चेयरमैन का, पैसा नहीं दिया इनके साथ भी इंशाल्लाह वही अच्छा करेंगे, तीर को तो वोट दे दिया आपने हाजी चंदेल कह रहे हैं कि तीर को वोट दे दिया आपने सर, अरे हमने तो वोट चेयरमैन नहीं आने देना था, चेयरमैन सेनेट जो है लेके दिखाया पीपीपी का बना ना पीएमएलएन का बना, सर अब आप लोगों ने तो सेनेट मुतनाजा कर दी, 20 वोट आपने कहे के ये कहे के अब सेनेट का चेयरमैन क्या रह गया, अब सेनेट की कोई वैल्यू नहीं रही ना, कि आपने कहा कि 20 वोट दे के ये लोग सेनेटर बना, 20 वोट किसको दिए, वही सेनेटर को पैसे दे के दिए जो आप लोगों ने 20 नाम दे दिए वहाँ पर, उसका आप जवाब नहीं दे रहे। हमने लोगों को पार्टी का डिसिप्लिन वॉयलेट करने के ऊपर निकाला, अगर वो 20 लोग हमारा वोट देते तो हमारा एक सेनेटर और आ जाता, चेयरमैन तो हमारे वाले जो चाहे। फिरदौस साहब शहबाज शरीफ दो दिन से कराची में मौजूद है, फिरदौस साहब जिन्होंने खरीदो फरोख की है, हमने तो नहीं कोई खरीदो फरोख की, पाटा वालों ने कोई खरीदो फरोख नहीं हुई, खरीदो फरोख जिसकी हुई है वो पीपल्स पार्टी वालों की हुई है, नहीं आपने खरीदे कम है फरोख्त ज्यादा किए हैं, पंजाब में आपने खरीदे कम है और बलोचिस्तान और केपीके में जो है वो फरोख्त ज्यादा आपके हो गई है। केपीके में दो मगर शहबाज शरीफ साहब दो दिन से कराची में हैं, कराची को पेरिस न्यूयॉर्क और पता नहीं क्या क्या बनाने जा रहे हैं, आप किसका जिक्र कर रहे हैं, मैं तो किसी शहबाज शरीफ को नहीं जानता, आप जानते ही नहीं होगा इससे के जो वजीर आला सर खाद में आला पंजाब की बात कर रहा हूं, चांद से नीचे उतर के आ जाए कराची में आ जाए जहां पर आपने वोट बेचे हैं, फिर आपको पता लग जाएगा शहबाज शरीफ किसे कहते हैं, उन्होंने कहा था अगर 6 महीने में बिजली नहीं दूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि अब आप मैं पेरिस बना दूंगा, अगर पेरिस नहीं बनाया तो फिर देखिएगा, उन्होंने क्या ये वादा नहीं किया था कौन से 6 महीने में बिजली, अब ये कह रहे हैं कि 6 माह में पेरिस का पता था, इमरान खान साहब ने भी कहा था कि केपीके में जो है वो बिजली के यूनिट लगाएंगे, किसी एक यूनिट का नाम तो बता देंगे आप, हम आज से ही उनका नाम पुकारने लगेंगे ना न्यायमूर्ति, अगर हम गलत होंगे तो हम चले। मगर सर आप खरीदो फरोख की बात करते, सिंध में कोई वोट नहीं बिका, आपको लग रहा है कि जो सिंध के अराकीन हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, खासतौर पर पीएमएलएन की बात, कैसे नहीं बिका यार, कह रहे हैं सर बिके नहीं, हाजी साहब आप तो कह रहे हैं कोई सोरठ थेबो ने वोट नहीं भेजा, हाजी चंदेब हाजी चंदेब ने समझ नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पर नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं है, वोट तो दिया ना सर, वोट दिया नहीं किसी को, यहाँ पर एमकेएम ने खुद कहा कि हमारे लोग जो है वो खरीदे गए हैं, इमरान खान साहब ने खुद, हाजी शफी ने भी वोट नहीं दिया हमारे लोग, मुझे क्लियर करे कि वो इलेक्शन के दिन असेंबली के अंदर वोट देने आए नहीं, हमारे नंबर नहीं, वोट देने आए नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे
हमारे नंबर ही नहीं है, हमारे नंबर ही नहीं है। हमने तो डंके की चोट पे कहा कि हम मुजफ्फर हुसैन शाह को वोट दे रहे हैं, बिल्कुल जी फंक्शन वोट किया, बिल्कुल फंक्शन लीग से जो सेनेटर मुंतखब उनको वोट तो दिया ना, उनको इन्होंने आपने दिया ना वोट तो दिया, मगर बेचा या नहीं बेचा वो अलग बात है। नहीं ना जी, जो पार्टी की अंडरस्टैंडिंग थी उसकी बात कर रहे हैं। सही है, पंजाब में हमारे जो वोट आपको तो नहीं पता खरीदे हैं वो उनको पता होगा। बहुत शुक्रिया हरी चंद्र साहब आपका, शहजाद चक्कर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और फिरदौस शमी नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगता है ऐसे कि टाइम कम था, मगर आप रिपीट दे पूरा टाइम आपको दिया था। चले आज हमने बड़ी अहम बात की है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, और खास तौर पर शहर कायद के हवाले से आज बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने तय है कि ये रिकॉर्ड पे है कि पेरिस बनेगा शहर, कराची और न्यूयॉर्क बनेगा, मगर तय है कि एमक्यूएम समेत पाकिस्तान के रहने वाले करें कि कराची जो कराची था उसको कराची रहने दें, हमें कराची बना दे। तो देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कराची को कराची बनाते हैं या नहीं, वक्त बताएगा। आफ्ताब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।